रदरफोर्ड के बारे में, डाल्टन के बारे में, ये किस प्रकार से आपस में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई तेरा मॉडल गलत है और मेरा सही, ये सारी की सारी चीजें आपने अच्छी तरह से समझ ली। लेकिन नील बोहर के बारे में, क्लार्क मैक्सवेल के बारे में कि भाई इन्होंने क्या कहा था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल तो इसमें से भी पूछ ले जाते हैं। चलिए इस क्लिप के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, साथ में लगे करेंगे तो हर चीज आसान लगेगी। तो अब शुरू कराए। देखिए क्या होता है कि अब आपने क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया कि उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में से तो कमियां निकाल ली। लेकिन अब समझना बाकी है, वो है नील बोहर जी के लिए। नील बोहर ने क्या किया था, नील बोहर ने जो थ्योरी दी थी 1913 में दी थी, 1911 में रदरफोर्ड ने एल्फा पार्टिकल्स के साथ दी थी, एंड देन 1913 में ठीक 2 साल बाद इन्होंने कुछ बातें बताई कि रदरफोर्ड की जो चीजें थी उस पर स्टडी करी, एंड देन उन्होंने क्या किया, क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया। वो तीन चीजें, वो तीन तरीके उन्होंने बताए कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम के अंदर ये वर्क चलता है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो अब बात करते हैं मैक्सवेल जी के बारे में। मैक्सवेल जी, साइंटिस्ट जी ने क्या कहा था, उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी बताई थी। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी क्या थी, देखिए मैक्सवेल जी ने रदरफोर्ड की जो मॉडल, मैंने प्रीवियस क्लिपिंग में रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बताया था आपको, आई होप कि आपको कुछ समझ में अच्छी तरह से आया हो। तो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था, वो ये था कि वो सब कुछ बता रहा था लेकिन किस चीज के बारे में नहीं बता रहा था, वो नहीं बता रहा था स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी की डिफाइन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड का जो मॉडल था। तो ये चीज उन्होंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी थी मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी क्या बताती थी, सबसे पहले इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ लेते। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी क्या बताती है, देखिए जो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या था, देखिए न्यूक्लियस था पॉजिटिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली सी बात है कि नेगेटिव ही होगा, तो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस थी वो रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेस रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो ड्रॉप होने लगती है, उसको हार्श मैग होने लगता है, वो नीचे की नीचे लो होने लगती है, जिसकी वजह से होता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कम होने लगेगी। और उसके साथ अगर अगर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, स्पीड है वो लो होने लगेगी, तो क्या होगा भाई, वो होगा कि क्लासेस जो हैं वो छोटी हो जाएंगी, एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिर जाएगा। यह आप आसानी से अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि राउंडिकल वे में धीरे 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 एंड देन वो न्यूक्लियस के आसानी से पास आ जाएगा। अच्छा, मैंने रदरफोर्ड में बताया था कि भाई इसकी जो देखिए राउंड चलता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, किसकी वजह से होता चला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती जाएंगी, एनर्जी को हार्श होता चला जाएगा, एनर्जी लो पड़ती जाएगी, एनर्जी लो पड़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लो हो जाएगी, और स्पीड लो हो जाएगी का क्या मतलब है कि क्लासेस लो हो जाएंगी। ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी का पहला था। अच्छा, दूसरा था, ये तो पहला हुआ भाई, दूसरा क्या था भाई, दूसरा ये था कि न्यूक्लियस के चारों ओर अनलिमिटेड राउंडिकल क्लासेस पॉसिबल है, जी हाँ, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रॉन किन क्लासेस में घूमते हैं उसकी वैल्यू सीखी, और विभिन्न क्लासेस यानी कि डिफरेंट क्लासेस में उसकी क्या संख्या, क्या नंबर है, कितनी क्वांटिटीज है, ये सब चीजें, ये सब इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड का मॉडल नहीं दे पा रहा था। तो चलिए अब समझ लेते हैं बोहर थ्योरी के बारे में। देखिए बोहर थ्योरी क्या क्या बताने की कोशिश करती है भाई। बोहर थ्योरी ने सबसे पहला जो दिया था वो क्या था, देखिए अगर बात करें एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी क्लासेस होती है, बेशक पॉसिबल है, बहुत सारी क्लासेस ऑफ कोर्स पॉसिबल है, किन किन सी है, किन किन के बारे में, देखिए ये चीज हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला ये था कि उसको हम क्लासेस, अच्छा हर एक कोश, हर एक क्लासेस में, हर एक ऑर्बिटल में क्या होता है, एक लिमिटेड जो सेकिंग थी वो क्या थी, लिमिटेड एनर्जी होती है भाई,
अच्छा इस चीज के बारे में मैं थ्री थ्री आकर के बता ही दूंगा। और तीसरी क्या थी? तीसरी थी कि इलेक्ट्रॉन बेशक एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसा अगर करता भी है तो जो उसके साथ साथ क्या होगा, ऊर्जा यूज भी होगी और रिलीज भी होगी। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी में से हम अगर लो एनर्जी को निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा लॉसेस हुई है, कितनी ऊर्जा बची हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम ई की बात करते हैं तो हम नॉर्मल रूप से क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, हमारी जितनी सैलरी है उनमें से जितने एक्सपेंसेस हैं उनको उस सैलरी में से घटा दे तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने कितना सेव किया। यही तो चीज है। तो ये ऊर्जा दोनों साइड के अंतर के बराबर होती है बेशक। यही चीज बोहर के इन तीन चीजों के बारे में बताई थी। अब हम इसको थोड़ा नॉर्मल रूप से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। देखिए एनर्जी क्या है, यहां से जो कि इसे न्यूक्लियस, तो एनर्जी रिलीज भी हुई और एनर्जी यूज भी हुई। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई होप देखिए इस तरह से मैं कैमरे को थोड़ा एंगल वाला वे के संग परफेक्ट परफेक्ट एग्जैक्ट नाउ यू गॉट इट इजीली। सो एनर्जी यूज भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। तो ये बहुत सारी जो क्लासेस हैं ये क्या बताती है, अभी ये ऑर्बिटल है तो ये क्या बताएंगे, देखिए के एल एम देन एन, सिंपल सी बात है। थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया लेकिन चलेगा, ठीक है। ये एक अलग ही, ये अलग हुआ। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हम के एल एम एन को किस तरह से बोलते हैं, के एल एम एन एन, सिंपल सी। अब मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दूँ जैसे कि पूरा का पूरा आ जाए। वैश्यो देखिए के एल एम एन के बारे में हमें एक चीज पता है कि इनकी, देखिए सेकंड वाला की लिमिटेड एनर्जी होती है, दैट इज द मीन ऑफ दिस लिमिटेड चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे हम 2, 8, 18 कई बार बोलते हैं, कई बार 2 बोलते हैं, कई बार 36 बोलते हैं अलग अलग किताबों में। यहाँ पर आपने एनर्जी क्या देखी कि के में लिमिटेड है, 2 है। अगर 2 है तो सिंपल सी बात है जितना बच गया वो हम आगे पहुंचा देंगे। अब जैसे मैंने पहले वाले में आपको एक काम दिया था, वो क्या दिया था कि आपको एटॉमिक नंबर याद करने होंगे। अब फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर इसके कितने होते हैं, दैट इज मीन ऑफ दिस 3। अब 3 है, हमें इसका के एल एम एन करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, 2 तो ये ले गया, बचा क्या 1। तो यहां पर हम तीसरा वाला जो यूज करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी में, दूसरी क्लासेस में या दूसरे ऑर्बिटल में ऑफकोर्स जा सकता है, तो बेशक यहाँ पे बचता है 1। तो ये इसका चार्जेस होगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें 3 करना था, 2 तो लिमिटेड वाला ही एरिया है। के एल एम एन के अनुसार हर एक एरिया में सिर्फ लिमिटेड एनर्जी ही है, इसमें आके क्या हम इसमें 9 कर सकते हैं, 10 करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लिमिटेड ही है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो हम ये क्या करेंगे, हम इसमें बाकी की लिमिटेड चीजें रखेंगे, के में 2 है तो 2 ही आएंगी, बाकी की नेक्स्ट में चली जाएंगी। तो सिंपल सी बात है कि ये 1 हो गया। यही चीजें के एल एम एन के बारे में बताता है। इसके साथ साथ और भी जो चीजें हैं वो क्या आती हैं, जो चौथी चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी क्लासेस में घूम सकता है जिसमें घूमने पर उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करना पड़ता है भाई, क्या कैसे समझ सकते हैं हम, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस mvr। आई होप कि यू कैन, मैं थोड़ा कहना, देखो यार मुझे नीचे भी देखना पड़ता है ऊपर भी देखना पड़ता है कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एंड देन n h अपॉन 2 पाई, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये m, क्या है ऑलवेज m इज अ मासेस, सिंपल सी बात है। v क्या है, दैट इज मीन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का वेग, सिंपल। r क्या है, दैट इज मीन ऑफ दिस रेडियस। एंड देन n, n है ये इसकी क्लासेस है, तो n को हम क्या बोल सकते हैं, m को हम बोलते हैं, यही पर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ दिस n, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n ऑलवेज डिफाइन द नंबर, और हम बोलते हैं इसे, ये चीज एपिक लाइन है, यहां पर इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, मैं थोड़ा इसको कागज को सेट कर लेता हूँ, परफेक्ट। सो दिस इज द मीन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड देन h अपॉन 2 पाई ऑफ कोर्स इज द एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो यही चीज है h v r बराबर n h अपॉन 2 पाई, ये चीज काफी मेन हो सकती है। और इसका जो अगर बात करें इसके मान की बात करें तो 1, 2, 3, 4 बढ़ती ही चली जाएंगी, इस नंबर की जो डिजिट है 1, 2, 3, 4 बढ़ती ही चली जाएंगी, कितनी भी हो सकती है।
तो ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशंस थी, ये पूरी की पूरी आपको बताने की जो कोशिश की, डिस्क्राइबेशन किसके बारे में था? बोहर थ्योरी के बारे में। किसके बारे में था? बोहर थ्योरी के बारे में था इसका। सो देखिए, अब आपने बोहर के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब ये बात आती है, क्या इसका पूरी तरह से मतलब देखा जाए, क्या इनका मॉडल था वो पूरी तरह से सही था? नहीं, इनका मॉडल पूरी तरह से सही नहीं था। देखिए, हर एक के अंदर कमी होती है। एवरीथिंग इज नॉट ए कंप्लीटली परफेक्ट, कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां आ ही जाती हैं। और मैं मानता हूं, मैं पसीने से बिगड़ा हूँ, मतलब समझ रहे हैं, मतलब पंखा बंद किए हुआ हूँ, किसी की बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आए भाई। मैं साउंड में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मैं जो गलतियां कर रहा हूँ मैं उसको बार बार पूरी तरह से सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, साउंड में मैंने जब पढ़ाया था आपको, प्लीज यार ईयरफोन लगा के सुन लिया करो। बस ये है कि आपको, बस आपको अच्छी तरह से समझ में, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखा, अच्छा समझाया, लेकिन साउंड में प्रॉब्लम थी, ऑफकोर्स इग्नोर दिस साउंड ऑल्सो। सो अब बात करते हैं बोहर की, बोहर के मॉडल में क्या कमियां थी। बोहर का जो सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि बोहर का जो मॉडल था वो एक मॉडल था, वो एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफेंड कर रहा था। जो उस तरह की जो चीजें होती हैं जिनके अंदर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है, उसी के बारे में डिफेंड कर रहा था, बाकी चीजों के बारे में डिफेंड नहीं कर सकता था। सेकेंड क्या थी, ये जीमन इफेक्ट के बारे में पूरी तरह से बताने में फेल हो चुका था, जीमन इफेक्ट के बारे में नहीं बता पा रहा था। क्या होता है जीमन इफेक्ट, मैं बताऊंगा भैया, यार मेरे चैनल पे आयो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक एंगल से प्रिपेयर कर सकूं, आपको हर एक एंगल से नॉलेज दे सकूं। जो तीसरा था क्या था, वो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पूरी तरह से फेल हो चुका था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी ये नहीं बता पा रहा था। तो ये तीन चीजें थी जो बोहर के मॉडल में मिसिंग थी। बोहर के मॉडल के अंदर ये जो तीन कमियां थी वो ये थी। अच्छा, इस क्लिपिंग के माध्यम से आपने ये समझा कि क्लार्क मैक्सवेल क्या बोल रहे थे, ये आपने समझा कि बोहर की क्या था, अच्छा ये भी समझा कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या नाम था। ये पूरी तीन चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में था। सो नाउ मैंने हर एक चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने ये भी बताया कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी सन में अलग अलग से, मैंने देखिए किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखिए आप, देखिए आज क्या होता है कि हर कोई ना कोई बेसिक एक क्वेश्चन पूछने वाला एक अंदर से क्वेश्चन निकाल लेता कि भैया इसके बारे में जरा बताइए, आपने थ्योरी तो बहुत अच्छी बताई लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं। सो हम इसको इस तरह से समझिए कि आप हर एरिया से, हर एंगल से आप स्ट्रॉन्ग बने, और यही मेरी कोशिश थी। मैंने इसको दो पार्ट में बनाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी मेहनत अच्छी लगी हो, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको मेरी हेल्प से, मतलब मेरे छोटे से सहयोग से आपको समझ में आया, आपकी थ्योरी इंप्रूव हुई। थैंक यू सो मच। प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चैनल अभी अभी बनाए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपका ही चैनल है भाई। हर रविवार को क्लिपिंग डाल रहे हैं, साथ के साथ वर्क कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये मेरा वर्क, मेरा सपोर्ट रास आ रहा हो, मेरा अच्छी तरह से लग रहा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इज वेरी बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू। ये क्या यार, आज क्यों बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो यार? प्लीज बच्चों को पढ़ाने दो यार, प्लीज। तो अब बात करते हैं बोहर की, तो अब बात करते हैं मॉडल। सो नाउ मैंने हर एक चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, जो छोटी छोटी चीज थी।